अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मुबारक हो राजा साहब, आखिर आपने हार का पता चला ही लिया। नहीं सागर, ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन राजा साहब हार का पता तो चल गया है। सागर, जिस हार का पता चला है उससे जाहिर होता है कि हमारे तमाम मेहमानों में से किसी के पास भी वो हार नहीं है। तो फिर वो हार नकली है। नकली हार कहाँ से आया? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा सागर, फिलहाल मेरे साथ पार्टी हॉल में चलो। चलिए सर। कम सागर। यस सर। कम डाउन चो, कम डाउन। गुड बॉय। दोस्त। यस सर। मामला और भी उलझता जा रहा है। अपनी तमाम कोशिशों के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उससे यह साफ जाहिर होता है कि हार उनमें से किसी मेहमान के पास नहीं है और ना ही इस फार्म हाउस से कहीं बाहर गया है। सर, तो फिर हार गया कहां? यही प्रश्न तो हल करना है मिस्टर सागर। एनीवे, हमें काम शुरू कर देना चाहिए।
That's it. वेंचर तुमने कमाल कर दिया। सागर, देखा हमारा रेंचो कितने कमाल की चीज है, हार को इसने कमाल ही कर। सर, हार का पता चल गया क्या? मिस्टर सागर, हार का ही नहीं बल्कि चोर का भी पता चल गया। रियली सर? सर, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूं? मिस्टर सागर, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप खुद बखुद समझ जाएंगे। फिलहाल आप एक काम कीजिए, सारे मेहमानों को जाकर कह दीजिए कि शाम को इसी पार्टी हॉल में इकट्ठा हो, मैं उन्हें एक तमाशा दिखाऊंगा जिसे देखकर उनका तो मनोरंजन होगा और चोर का। यस सर। सर अभी इन्फॉर्म करता हूं। वेरी गुड। और सुनो, माहौल बिल्कुल कल रात जैसा होना चाहिए। ओके, राइट, वंडरफुल। यस रेंचो, रेंचो माय डियर फ्रेंड, तुम्हें सलाम है। तुमने तो यार कमाल ही कर दिया। जो चीज मुझे इतने टाइम से परेशान कर रही थी, उस प्रॉब्लम को तुमने चुटकियों में सुलझा दिया। Hats off to you, my dear friend and my dear partner. अब चले जरा आगे की कार्रवाई करें। कम आ जाओ, मैं कम। रिलैक्स हाँ, कम। अरे ये कौन आ रहा है? निकमल, अरे तुम कहां चले गए थे? ये मैं आप लोगों को बताता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवालात उभर रहे हैं। उन सवालात का जवाब देने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहां बुलाया है। तो क्या हार का पता चल गया मिस्टर राजा? जी नहीं भानुमति जी, और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है, पर फिर भी अगर आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ हार और चोर का, बल्कि मैंने ये भी जान लिया है कि वो हार कल रात कैसे गायब किया गया था। अरे यार जल्दी से बता यार, इतना सस्पेंस क्यों खड़ा कर रहा है? मंत्री जी, उससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिनके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। दरअसल मैं शुरू करता हूं उस दिन से जिस दिन इस पार्टी में आने के लिए निमंत्रण मुझे मिला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे इस तरह की पार्टीज में शरीक होने का कोई भी शौक नहीं है। ये बात वो शख्स भी जानता था जिसने उस दिन पत्थर में एक कागज का टुकड़ा लपेटकर मेरे घर में फेंका। दरअसल वो कागज का टुकड़ा नहीं था बल्कि एक खत था जिसमें मुझे पार्टी में शरीक ना होने के लिए सख्त ताकीद की गई थी। पत्थर, कागज? जी हाँ, लेकिन मैं समझ गया कि वो चाहता है कि मैं पार्टी में हर हाल में शरीक हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो पत्थर किसने फेंका था? फिलहाल ये जानना जरूरी नहीं कि वो कागज किसने फेंका था, क्योंकि कागज फेंकने वाले की मंशा गलत नहीं थी। एनीवे, अपराधी को पहला झटका तो मुझे पार्टी में देखकर ही लग गया। फिर भी लगता है कि उसे अपनी स्कीम पर पूरा पूरा भरोसा था, इसलिए उसने चंद लम्हों के अंदर ही वो हार गायब कर दिया। लेकिन वो स्कीम क्या थी? ये जानना जरूरी नहीं कि स्कीम क्या थी, क्योंकि अगर मैंने स्कीम के बारे में बता दिया तो अपराधी का नाम फाश हो जाएगा, और अपराधी का नाम ना बताने की ताकीद मुझे शुरू में ही कर दी गई थी। क्यों व्यर्थ में फेंक रहे हो मिस्टर डिटेक्टिव? हो सकता है तुम्हें हार का पता चल गया है, लेकिन खामखा बड़ाई मारने की क्या जरूरत है? कमिश्नर साहब, मुझे खामखां अपनी बड़ाई करने का कोई शौक नहीं, फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं हार फिर से गायब करके दिखा देता हूं, तब तो आप लोगों को मेरी बात की सच्चाई पर यकीन हो जाएगा। इसमें इतना चौंकने की कोई जरूरत नहीं साहिबान, दरअसल यह हार नकली है। हाँ, लेकिन हू बहु असली हार। भाई जी, ये राजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस दिन रानी जी ने जो हार पहन रखा था ना, वो बिल्कुल असली था। तो आप कहाँ गायब हुए थे? इन्हें मैंने गायब किया था। जी हाँ मैंने, क्योंकि भानुमती जी की पार्टी में आए तमाम मेहमानों की नजर उस हार पर थी, किसी की लालचवश और किसी की मजबूरीवश, यानी कि कोई लालच से या कोई मजबूरी से उस हार को हथिया लेना चाहता था। मिस्टर राजा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे सब दोस्त पार्टी में चोरी की इरादे से आए थे? जी नहीं भानुमति जी, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि। मगर ये आपको कैसे पता चला? कई बार मामले की तह तक पहुँचने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कायदे से गलत भी होते हैं।
मैं माफी चाहता हूं कि आप लोगों में से चोर को पकड़ने के लिए मैंने आप लोगों के कमरों में चोरी चोरी माइक्रोफोन्स फिट कर दिए और आप लोगों के बीच होने वाली बात को अपने पास रिकॉर्ड करके रख लिया। खैर आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद मैं उन रिकॉर्डिंग्स को नष्ट कर देने वाला हूँ। पर आपने अब तक ये नहीं बताया कि मिस्टर निकम्मल कहाँ गायब हो गए थे। दरअसल वारदात वाली रात जब आप सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे तो मैं भी आराम करने की नीयत से लेटा हुआ था, तभी मैंने एक आवाज सुनी और मैं दबे पांव अपने कमरे से बाहर आया, उस ओर बढ़ा। वहां मैंने देखा कि निकम्मल जी किसी तेज औजार से हॉल के दरवाजे के ताले को काटने की कोशिश कर रहे थे। ताला काटते काटते वो औजार अचानक उनके हाथ में लग गया, हाथ से खून बहने लगा। अपने खून को देखकर वो डर गए और वहां से भाग निकले। उसके बाद मैंने उनका पीछा किया और निकम्मल जी, राजा साहब, आप थे हमारा कमरा में। निकम्मल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हॉल के दरवाजे का लैच तोड़ने की कोशिश क्यों की? अजी ज्यादा लगे? नहीं वो तो जी अच्छा, वो जो जिस चीज से आप काट रहे होंगे वो लग गई होगी। नहीं वो मारो के मत भूलिए निकम्मल जी के मैं आप पर चोरी का इल्जाम भी लगा सकता हूँ। अरे नहीं राजा साहब, मैंने चोरी नहीं की। अरे भाई जी क्या कर रहे हो राजा साहब, मारो पर मेहरबानी करो, मैं चोरी को नहीं की। मैं तो वो हार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो रानी साहबानी खातिर। अच्छा इसका मतलब आपको पूरा यकीन था कि हार हॉल में ही है। अरे भाई जी ये बात रो अंदाजो तो कोई अंधो भी लगा सके तो। कैसे? अब देखो नहीं, जब तलाशी में हार कोई कने को नहीं मिलो तो हार तो वो हाल में होना चाहिए नहीं। इसका मतलब है कि आप भी वहां हार चुराने की नियत से ही गए थे। नियत? अरे भाई जी मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया। तो तैयारी? कैसी तैयारी? मतलब एक पुरानी किताब में देख के मैं वो हार री हूबहू नकल तैयार की थी। ये देखो ताकि मौको मिलते ही मैं ई हार ने असली हार के साथ बदल दे। तो भाई जी जरा 10 करोड़ रुपए का मामला तो ना। 10 करोड़? कौन देता तुम्हें 10 करोड़? अजी वही जो हमारे साथ टेलीफोन पे ई हार के वास्ते 10 करोड़ सौदो क्यों। तो ऐसी अच्छा निकम्मल जी आप एक काम कीजिए, बोलो ये चना खाइए और जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसा कीजिए। आप आइए मेरे साथ, चलिए आइए। मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि इस नकली हार के बदले मैं असली हार और चोर तक पहुंच जाऊंगा। निकम्मल जी को मैंने सागर के कमरे में पहुंचा दिया और सागर को अपने मिशन में शामिल कर लिया। सागर बेचारा डर गया था, उसे ऐसा लगा कि निकम्मल जी का किसी ने मर्डर कर दिया है और लाश को गायब कर दिया है। खून का धब्बा चादर पर देखकर सागर और भी बौखला गया था। उसके बाद मैंने चांदनी को फोन किया आवाज बदलकर और हार निकम्मल जी के कमरे में इस तरह से लग दिया कि जो भी अंदर आए उसे हार सामने दिखाई दे। प्लान के मुताबिक मैंने चांदनी को फोन किया। चांदनी निकम्मल जी के कमरे में पहुंची
हार सामने देखकर वो खुद को रोक ना सकी और लालचवश हार उठाकर वहां से भाग निकली। उसके फौरन बाद मैंने कुमकुम को भी फोन किया और जैसे ही चांदनी हार उठा रही थी कुमकुम ने उसे देख लिया। सारी भागदौड़ से तुम्हें क्या फायदा हुआ? फायदा तो बहुत हुआ कमिश्नर साहब। इससे मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हार चोर ने अपने पास ना रखकर यहीं कहीं छुपा दिया। यानी इसे कहते हैं एक तीर से दो दो शिकार। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो असली हार है कहाँ? आइए मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, आज भी यह हार उसी तरह से गायब हो जाएगा जिस तरह से कल गायब किया गया था। हालांकि मैं जानता हूं कि इस हार को कैसे गायब किया गया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उस तरीके को या तो मैं जानता हूं या वो चोर जिसने हार गायब किया था। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी पहली वाली पोजिशन पर आ जाए, जिससे कि माहौल कल रात की पार्टी जैसा हो जाए। सागर, प्लीज एवरीबॉडी। मैं सागर, लाइट्स ऑफ। कल रात भी इसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने हमें बेवकूफ बनाया था। उस चोर ने बहुत ही खूबसूरती से भानुमती के गले से हार उतारा और यहीं किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया। अब मैं तीन तक गिनूंगा, उसके बाद लाइट्स ऑन होंगी। अगर ये हार यहां से गायब नहीं हुआ तो मैं आपको हार गायब करके बताऊंगा और वो नजारा चोर के लिए बड़ा ही शर्मनाक होगा। एक, दो, तीन। अरे गायब! ठीक इसी तरह से कल भी यहां से हार गायब हुआ था। लेकिन फिर हार है का? आप फिक्र क्यों करते हैं कमिश्नर साहब, हार यही है, इसी हॉल में अभी हाजिर हुआ जाता है। अरे भाई जी, जो आप सब कुछ जानो तो हार निकाल के धर दो ना सबके सामने। अरे सेठ जी, अगर ये इतना ही आसानी से करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। लेकिन आप ही लोगों ने कहा था कि हार चुराने वाले का नाम ना बताया जाए, वरना सब लोगों के सामने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं हार पहले ही यहाँ लाकर रख देता तो कमिश्नर साहब कहते कि हार मैंने ही चुराया और अब फंसने के डर से मैंने उसे यहाँ रख दिया। यार जल्दी से उस हार के दर्शन करवाओ, बहुत टाइम हो गया, देखें और चले जाएं घर अपने। इतनी जल्दी भी क्या है मंत्री जी, थोड़ा सब्र कीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं फिर से कहूंगा सागर से कि वो लाइट्स ऑफ करें। सागर, लाइट्स ऑफ। और ये ताकीद है चोर के लिए कि वो उस हार को फिर से इस डायस पर पहुंचा दे, वरना सागर, लाइट्स ऑन। देखिए तो जरा सेठ जी, यह हार असली है ना? एक मिनट, आपका हार आप अपने हाथ में लेकर दे दो दे दो। जी एकदम खरो, एकदम चोको है। ये लीजिए भानुमति जी, आपका हार आपके पास सही सलामत। ये क्या चीज है भाई? मिस्टर राजा? अरे भाई, तो मेरे लिए है। कमिश्नर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जरा सब लोगों को पढ़कर सुनाएं, ये क्या है और किसके बारे में। मिस्टर राजा, भाई मान गए, वाकई अपने फन में उस्ताद हो।
हमारी मजबूरी है कि इस वक्त 1,00,000 रुपया कैश हमारी जेब में नहीं है। चेक हम तुम्हें दे नहीं सकते, मगर चिंता ना करो, कल शाम तक तुम्हें तुम्हारा 1,00,000 रुपया पहुंच दिया जाएगा। तुम्हारा शुभचिंतक। थैंक यू वेरी मच शुभचिंतक जी। एनीवे दोस्तों, इतनी उलझी हुई समस्या को सुलझाने में जो सहयोग आपने मुझे दिया और जो परेशानियां आपने कल शाम से भुगती, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। और मेरी वजह से जो आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप तो अपने जा सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी। या मिस्टर राजा, मेरा हार ढूंढने के लिए ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से, 1,00,000 रुपए का चेक। ओह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हालांकि आपके लिए नई चीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे लिए बहुत खास मौका था। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। वेल नो प्रॉब्लम मिस्टर सागर। कम रंजू, कम ऑन। सर आपने ये प्रनोट क्यों फाड़ दिया? अभी भी नहीं समझे सागर? क्या सर? अरे भाई, जब प्रोनोट की रकम मुझे अभी मिल गई तो उस प्रोनोट की जरूरत ही क्या रही? वो पैसा तो आपको मैडम ने। गॉड, यानी सर? यानी गुड लक। हार भानुमति ने उड़ाया, क्योंकि झूठी और बनावटी जिंदगी जीते जीते उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया था और उसकी आर्थिक स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। तब उसने एक तीर से दो शिकार करने की सोची। हार और इंश्योरेंस का पैसा दोनों एक साथ पाना चाहा, लेकिन राजा और रेंचो ने उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। Thank you.